संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पहुंचे अखिलेश यादव। आभार जनसभा का आयोजन आईटीआई मैदान में हुआ। अखिलेश यादव के आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आजमगढ़ से प्रभात की रिपोर्ट। के उठा लो आप अपना विकास का काम, उठा लो समाजवादियों का विकास। आप कहीं विकास में टिकने वाले नहीं हो, आप किसी और वजह से चुनाव जीत गए। हालांकि समय ऐसा भी आता है, हमने अपने आपके अपने जीवन में देखा होगा, कभी कभी हम और आप इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और कभी कभी हम लोग इतना रोते हैं कि रोते रोते हम लोग हंसने लगते हैं। ऐसा समय राजनीति में हम लोगों ने देखा है। और हम तो जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट मिला, जो मैंने देखा कि आजमगढ़ से मैं जीत करके आया, मैंने सर्टिफिकेट लेकर के सीधा चुपचाप छिपा दिया। हमने देखा और छिपा दिया। हमने कहा ये तो घर में भी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो नाराजगी और कुछ हो जाएगी। और फिर सर्टिफिकेट मैंने दिखाया किसी को नहीं। मैंने कहा कि जब तक मैं जनता के सामने न दिखा दूं, तब तक इस सर्टिफिकेट कोई देखेगा नहीं। हमारे हाथ में बना रहे, हम छिपा के रख करके लेके आए हैं। और आज भी जो सम्मान आपने दिया है, क्योंकि एक एक वोट से वो सम्मान बना है, वो आपने सब में वोट दिया है। और एक एक वोट पा करके और जो जनता नहीं आ पाई है, जिनसे यहां के बाद आप जाओगे और मिलोगे, उन्होंने भी हमारी मदद की है, तमाम माताओं बहनों ने मदद की है। दिखा दूंगा आप, तब तक मैं ये सर्टिफिकेट किसी को दिखाने वाला नहीं। इसलिए यही जो सम्मान आपने दिया है, यही तो सम्मान है जो दिया आपने। न जाने कितने दिन आपने मेहनत की, खून पसीना बहा दिया, न जाने कितना न्याय सहा आपने, दुर्गा जी का सामना करना पड़ा न जाने किस चीज का, लोग न जाने क्या क्या कर रहे थे। आपको याद होगा, बूथ पे रहने वालों को ज्यादा पता होगा, हमारे साथी जो बूथ पे रहे होंगे उन्हें पता होगा कि क्या क्या करना पड़ा है तब जाकर वे बूथ जीते हैं। यही तो विरोधी कहते थे। सोचो विरोधी किसको ढूंढ के लाए हमारे खिलाफ लड़ाने, सोचो किसको विरोधी लाए ढूंढ करके। अरे हमने कभी नहीं देखी उनकी फिल्म। मैं कहता हूं मैंने फिल्म नहीं देखी। और अगर कोई, हम नहीं कहते कि आप मत देखो, आप देखो, लेकिन सोचो क्या कह रहे थे। हमें कुछ नहीं कहना उनके बारे में, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। आप दुश्मन को पहचानो, दुश्मन कहां छिपा हुआ है। हमारी आपकी लड़ाई उनसे नहीं है। बताओ लड़ाई उनसे थी, जिन्होंने सेल्फी ली उनसे लड़ाई थी कि नहीं थी। हमारा आपका झगड़ा उस पे नहीं था। हमारा आपका जो राजनीतिक झगड़ा उनसे था, जो सेल्फी दे रहे थे, सेल्फी दे रहे थे उनसे। उसमें बोले बताओ ये चुनाव की खुशी कैसी है, ये जो खुश हो रहे हैं क्यों खुश हो रहे हैं। ये रेस तो हमारे लोग शायद जानते हो न जानते हो, हमारे नौजवान जानते होंगे। दुनिया में सबसे तेज भागने वाली गाड़ी फरारी कहते हैं उसको, फरारी कहते हैं। एक पत्रकार ने कहा कि ये रेस तो फरारी और साइकिल की थी। सब जानते थे फरारी जीत जाएगी, साइकिल नहीं जीत पाएगी। बताओ सब दिन हर दिन टीवी पर कौन दिखता था, किसका टीवी है। हमारे दिमागों में घुसेड़ दिया। हम नहीं चाहते थे सोचना समझना, लेकिन हमारे दिमाग से खेले, मोबाइल से खेले। इसलिए समझ लेना समाजवादी साथियों, और खासकर मैं गरीबों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई दूसरे तरह की है, ये समझ पाना मुश्किल है। और जिस दिन समझ जाओगे आप लड़ाई,
उसी दिन आप लड़ाई जीत जाओ।